हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपको टुक टाक फैशन पर। आज हम सीखेंगे कलीदार कुर्ता कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नाप जान लेते हैं। कुर्ता का जो लंबाई है वो 45 इंच है, सीना इसका 36 इंच और शोल्डर 19 इंच और बाजू 33.5 इंच। तो पहले हम जितना लंबाई है उससे लगभग 1.5 इंच ज़्यादा लेके इसको हम इस तरह से इसको काटेंगे। इससे हम कुर्ता का जो सामने वाला हिस्सा है या सामने वाला पार्ट है उसको निकालेंगे। सेम तरीके से और एक पार्ट निकालेंगे। पहले वाला पार्ट से 2 इंच लंबा करके और एक पार्ट हम निकालेंगे वो बैक पार्ट के लिए। अब हम पहले वाला जो पार्ट निकाला था उसको हम इस तरह से होल्ड करेंगे। जो 19 इंच तीरा है उससे हम आधा इंच ज़्यादा लेके इस तरह से इसको मार करेंगे। इस तरह से बढ़िया करके मिला लेना है कपड़े को। अब हम इसको इस तरह से काटेंगे। अब हम कॉलर के लिए गुलाई देंगे 2.5 इंच और नीचे भी 2.5 इंच। यहाँ हम तीरा का जो डाउन है वो रखेंगे 2 इंच। सीना का जो नाप है वो 36 इंच, उससे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो निकाल आता है 9 इंच। तो 9 पे एक निशान लगा लिया है, इसको हम सीधा इस तरह से मार कर लेंगे। इस तरह से इसको डाउन करेंगे और यह कॉलर के लिए गुलाई बनाएंगे। इसमें हम 13 इंच रखेंगे जो बॉटम वाला पट्टी लगेंगे। अब हम इसको इस तरह से काटेंगे। अब हम इससे थोड़ा सा शेप कटिंग करेंगे। आप चाहे तो काट सकते हो या
ऐसे ही सोच सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी सामने वाला जो पार्ट है वो कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। सेम तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये सामने वाला जो पार्ट है ऊपर हम इस तरह से बिछाएंगे। बिछा के सेम तरीके से जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम कटिंग करेंगे। बढ़िया करके इस तरह से मिला लेना है। जो 2 इंच से हम ज़्यादा लेके काटे थे पिछला वाला पार्ट उसका हम ऊपर ज़्यादा रखेंगे नीचे से मिला के। मिलाने के बाद इस तरह से 2 इंच लेके इस तरह से मार करेंगे। ये बैक पार्ट में 2 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है और गुलाई भी सेम तरीके से यहाँ हम 2.5 इंच रखे थे और हम 2 इंच पे इस तरह से गुलाई कटिंग करेंगे। इस मार्क से जितना लंबाई होगी उससे हम कोली कटिंग करेंगे। तो कितना आया 37.5 इंच। तो इसका हम मार्क करके रखेंगे। उतना लंबाई ही हमें साइड की कोली काटना है। तो कोली के लिए जो साइड में बसा हुआ कपड़ा था उससे हम कोली काटेंगे। इस तरह से दोनों कपड़ा साथ में बिछा के लंबा कितना था 37.5 इंच। तो ऐसे हम मार्क करेंगे। इसे हम सौराही कितना रखेंगे तो ऊपर हम रखेंगे 3.5 इंच और नीचे रहेंगे 7 इंच। टोटल कितना हुआ 10.5 इंच। तो 10.5 पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा के हम इसको सीधा मार्क करेंगे। यहाँ से 3.5 इंच और उस साइड से भी 3.5 इंच इस तरह से क्रॉस मार्क करेंगे। एक एक साइड पे 2-2 कोली की ज़रूरत है। एक साथ ही हम 4 कोली कटिंग कर रहे हैं पूरा कुर्ता का
दो साइड का जो कली है वो कवर हो जाएगी। इस तरह से हम इसको क्रॉस काट लेंगे। ये हमारी कोली कटिंग हो गया। यहाँ हम 650 पे एक निशान देंगे और यहाँ हम 7 इंच पर एक निशान देंगे पॉकेट के लिए। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू के लिए जितना लंबाई बाजू है 23.5 इंच, उससे हम ज़्यादा लेंगे। अब हम इस तरह से इसको बिछा लेंगे। यहाँ गोलाई 15 इंच, सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। शोल्डर का जो चौथा भाग है वो हम इस साइड पे रखेंगे और 2.5 इंच नीचे से एक निशान लगाएंगे। लगाने के बाद इस तरह से इसको मार कर लेंगे। ये हमारी फाइनल नाप है बाजू की। अब हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। दूसरे बाजू की तरह इसमें गुलाई देके शेप नहीं करना है, सीधा करना काटना है इसको। अब हम साइड पॉकेट कटिंग करेंगे। उसके लिए हम 650 करके कपड़े कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको मार करेंगे। पॉकेट का जो लंबाई है 19 इंच रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ हम जेब की जो मुँह होते हैं उसको 7 इंच रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। अब हम थीरा कटिंग करेंगे। उसके लिए 6 या 7 इंच चौड़ाई वाला कपड़े हम इस तरह से काट लेंगे। लेके इस तरह से फोल्ड करके जो बॉडी का पार्ट है उससे हम नीचे इस तरह से बिठा के सेम तरीके से जो राउंड है उससे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो हो गया हमारी कोली वाला पंजाबी कटिंग। अगर अभी भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।